हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो शेयर करूंगा वो है दुनिया की टॉप 10 एक्सपेंसिव फिशेस जो बहुत ही महंगी होते हैं। वैसे तो ये मछली डॉलर के हिसाब से बिकता है, लेकिन मैंने इसको रुपीस में कन्वर्ट किया ताकि आपको समझ आ जाए ये कितना महंगी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आते हैं रॉट आयरन बटरफ्लाई फिश। जापान में पाए जाने वाली इस छोटी मछली बड़े होने पर 6 इंच तक हो जाती है। सभी तरह के बटरफ्लाई फिशेस में ये फिश सबसे टफ यानी हार्डी होते हैं, पर फिर भी जापान में इसे बहुत कम लोग ही खरीदते हैं क्योंकि इसकी कीमत लगभग 1,72,000 रुपीस होता है और यही वजह से जापान में इसे बहुत कम लोग खरीदते हैं। नंबर 9 पर आता है ऑस्ट्रेलियन फ्लैटेड पर्च। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली इस मछली को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये समुद्र में पत्थरों के नीचे छुप जाती है। ये पर्च फिश सबसे पहले 2011 में अमेरिका पर बेचने के लिए लाई गई थी, फिर इसके बाद में ये फिश लवर के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इस एक फिश की प्राइस लगभग 3,20,000 रुपया तक होती है। इस फिश का कलरफुल स्ट्राइप एक फिश टैंक को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। नंबर 8 पर आते हैं नेमिक ग्रीन अरवाना। इस तरह के अरवाना फिशेस मलेशिया के नॉर्थन स्टेट में पाए जाते हैं। ये जब बड़े हो जाते हैं इसकी बॉडी में इस तरह का स्टेप बनने लगते हैं। इस एक फिश की प्राइस लगभग 3,20,000 रुपया तक होती है, पर अनफॉर्चुनेटली इस फिशेस की अरवाना धीरे धीरे लुप्त हो रही है और इसकी वजह है वो फिशरमैन जो अनकंट्रोल वे में इसको पकड़ती है। नंबर 7 पर आते हैं नेपच्यून ग्रोपर। साइन करने वाली इस फिश खरीदने के लिए बहुत मुश्किल से ही मिलती है, पर जब भी ये सेल के लिए अवेलेबल होती है तो इसे खरीदने वालों इसके लिए लगभग 3,80,000 रुपया तक देने के लिए तैयार रहते हैं। नेपच्यून ग्रोपर एक डीप वाटर फिश है, यानी ये मछली बहुत ही गहरी समुद्र में रहती है जिसकी वजह से इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल होती है और यही वजह से ये फिश बहुत कॉस्टली होती है। छोटे नेपच्यून ग्रोपर के बॉडी में येलो और ऑरेंज कलर होती है, जब बड़ी हो जाती है ब्राइट पिंक कलर हो जाती है। नंबर 6 पर आते हैं गोल्डन ब्रेसलेट। ग्रोपर स्पीशीज में ये फिश सबसे छोटे होते हैं और ये स्पेसिफिक और अटलांटिक दोनों ही ओशियन में पाए जाते हैं। ये फिश हार्डी होती है यानी जल्दी मरते नहीं है, जिसकी वजह से ये फिश किसी भी फिश टैंक में बड़ी आसानी से रह जाती है। गोल्डन ब्रेसलेट समुद्र की गहरी पानी में रहती है। इस फिश को पकड़ने में बहुत खर्च आती है और इसी वजह से इस फिश का प्राइस 5,12,000 रुपया तक हो सकता है। नंबर 5 पर आते हैं रेड फिन ब्रेसलेट। ये छोटी सी मछली लगभग 6,40,000 रुपया में मिलते हैं। इसका ये नाम इसका प्लेट जैसे डोर्सल फिन की वजह से मिली है। कैरिबियन सी में रहने वाली ये फिश ऑरेंज कलर से व्हाइट कलर की वैरायटी में पाए जाते हैं। इसका रेयर होने के वजह से इस फिश का डिमांड बहुत हाई होती है और ये एक्सोटिक फिश ऑनर्स में बहुत पॉपुलर भी है। पूरी तरह से एडल्ट होने के बाद भी इस फिश का लंबाई सिर्फ 1.5 इंच तक ही होती है। नंबर 4 पर आते हैं मास्क्ड एंजल फिश। एंजल फिश की ये स्पीशीज हवाई आइलैंड के पास सॉल्ट वाटर में रहती है। इस फिश का ये नाम इसके चेहरे पे बने कालो मार्क्स की वजह से दिया गया है। इस तरह का एंजल फिश ज्यादातर 30 मीटर से 174 मीटर गहरे पानी में पाया जाता है। इस एक एंजल फिश का प्राइस लगभग 12,80,000 रुपया तक हो सकती है। नंबर 3 पर आते हैं पेपर मिंट एंजल फिश। इस तरह का एंजल फिश को पसंद करने वाले इसके लिए 19,20,000 रुपया तक देने के लिए तैयार रहते हैं। 2012 में ये मछली पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अवेलेबल था।
इसे पब्लिक को दिखाने के लिए ओकी की एक्वेरियम में रखा गया था। इसको पकड़ने में और इसको लाने वाले खर्च की वजह से ये फीस इतनी ज़्यादा महंगी होती है। नंबर टू पर आते हैं फ्रेश वाटर पलकट और स्टिंगरे। ये फीस हाल ही में ताइवान में डिस्प्ले के लिए रखा गया था। एक यूनिक जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से इसकी हेड का सामने वाला पार्ट यू शेप में होता है। इस वक्त ये स्टिंगरे ताइवान में सबसे ज़्यादा महंगी एक्वाटिक पेट है। इसकी कीमत 64 लाख रुपया तक होती है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये स्टिंगरे नेचुरल एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह पाते क्योंकि ये शिकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिश टैंक में भी इसको हाथ से खिलाना पड़ता है। नंबर वन पर आते हैं प्लैटिनम अरवाना। महंगे फिशों में सबसे टॉप में होते हैं प्लैटिनम अरवाना क्योंकि इसका प्राइस 2,56,00,000 होते हैं। ये इतनी ज़्यादा कीमती है इसलिए इसकी बॉडी में माइक्रोचिप लगाया जाता है ताकि इसको ठीक से मोनेटाइज किया जा सके। इस अरवाना को इसका प्लैटिनम कलर इसका रेयर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से मिलता है। इसको पालने के लिए कम से कम 300 गैलन फिश टैंक की ज़रूरत पड़ती है और ये लगभग 50 सालों तक जिंदा रहती है। ये एक इंटेलिजेंट फिश होती है जो लोगों की चेहरा को याद रख सकती है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे ही फिशेस के बारे में नया नया इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।